हाय दोस्तों, मैं दवंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ, राखी सावंत स्टार्टिंग में बैठी हुई थी, अपना प्रभु का नाम ले रही थी। प्रभु, मैं अभिनव से प्यार करती हूं, पर मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसे दुख देना नहीं चाहती थी। मुझे माफ करना अगर मैंने उसे दुख दिया, मैं ऐसे मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी, बस मैं तुमसे भी प्यार कर रही थी, मुझे अच्छे लगता है वो, ये है वो है, तो यही बातें कर रही थी। इतने बार अपना अली और अपना राहुल बैठे हुए थे, वहां से अर्शी निकल जाती है, वो अपना देवदूत का हल्का सा ऐसे बोल देते हैं, बीच में करके बोल देते हैं। वो ऐसा है ना कि वो इस बार ना जो राखी है ना वो फिनाले में जाएगी, बस यही भी बोल गई। वहां से अर्शी का इसको सजा देते हैं थोड़ा सा, अर्शी का घर के अंदर आती है, वहां राखी बोलती है, राखी वो तेरे को बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों बार कि अभी इस बार यही बाहर जाएगी। तो भाई ये गलत बात है, राखी कहती मैं क्यों बाहर जाऊंगी, ये क्या मतलब, वो क्या मतलब, तो उल्टा सजा देती है। बस देवली ने बाहर आके पूछती अली और उनसे, भाई तुमने ऐसे बोला कि राखी सावंत इस बार घर से बाहर चल रही। कह रहा नहीं, हमने तो भैया मजाक से बोला था अर्शी को चढ़ाने के लिए कि भाई ये भैया जो राखी है ना वो एक दो मिनट तो जाएगी, फिनाले तो जाएगी। कह रही नहीं, उसने राखी ने तो अपना एसोसिएशन ने ये बोला अंदर कि भाई ये राखी तू घर से बाहर चली जाएगी इस बार। बस अली और जाता कहने यार कुछ तो ये कर रहे हैं यार, तू हमेशा क्यों फूट डाली कोशिश करती है, हमने राखी तो ये बोला था भाई ये कि यहाँ से भाई इसमें फिनाले में जाएगी। राहुल ने बोलता रहा तुझे मुझे ट्रस्ट है ना, राखी थी मुझे तुम्हें पूरा ट्रस्ट है, देख ले भैया हरकत इसकी हरकतें कैसी हैं, ये सुधरेगी नहीं यहाँ पे, कि भैया देखिए इसे धीरे धीरे हमारे फूट डालने की कोशिश कर रही है। तो राखी साहब ने अर्शी में थोड़ी लाइक यहाँ पे देखने को मिली, बस अर्शी ने देवी ने भी बढ़ जाती है कि तूने अगर उनको बता दिया ये करी, मैं मैंने कुछ बताया नहीं, मैं सब इतना जाके बोला था कि भाई राखी भाई तुम राखी भी ये बोल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं बोला। अरे तू ऐसी है, ये बात दोनों की लड़ाई शुरू होती है, अरे तू तो औरत ही ऐसी, तू घटिया औरत है, विकास बेचारे कल पर चल गया, विकास अगर होता ना मैं होती अगर दो दिमाग थप्पड़ मारती, विकास ने बहुत बड़ी गलती करी कि तुझे सिर्फ पूल में गिरा, पहले मारना दो थप्पड़ फिर पूल में गिरता, करता मैं तेरे थप्पड़ मार देती, तुझे मारूंगी ये वो है, वो कहती तुम हार लगा देख, तू एक मारे तो दो मारूंगी यहाँ पे खींच के मैं। तो यहाँ पे जो होती है अपना अपना कहते हैं जो देवी होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, वो उठा के वहां पर खर्ची जोर से मारती है, वहां अभिनव खाना बनाता है, अभिनव की लात पे खर्ची लग जाती है जोर से, जबकि अभिनव की खर्ची जोर से लगती है और देवी ने वहां पर सॉरी बोल दिया, तो अभी आपको लगी तो नहीं, तो अभिनव अपना स्टैंड वहां तब पर फिर नहीं लेता, कि जब उसने नाड़ा खींचा था राखी ने तब स्टैंड नहीं लिया था, यहाँ पे फिर उसने स्टैंड नहीं लिया अपना, ऐसा कोई बात कहने कुछ नहीं, जबकि अभी उसके लगा जोर से होती है वहां पे, और अर्शी और इसकी बहस अच्छी खासी वहां पर देखने को मिल जाती है दोनों। अब राहुल रहते हैं वहां पे, सुबह चाय बना रहा था सबके लिए ये हुआ, तो यहाँ पे अर्शी भी रहती है, अरे हट पीछे हटाओ यहाँ से मुझे बनाना है, हट के तुम्हारा हो गया तो हटाओ, जैसे रूट बोलती है वगैरह, नहीं कर रहे आपसे बोल बत्तीस मत दिखा मेरे को, ढंग से मुझे बोलना था तुम्हें, कह रही साफ कर दो मैंने काम करना, कह रहा मैं नहीं करता जा नहीं करूंगा साफ, कह रहे ठीक है मैं करूँगा कर ले फिर तू साफ। तो राहुल वैद्य भी उससे उखड़ के बात करता है यहाँ पे, राहुल वैद्य कहता है ये बत्तमीजी हादसे में जाती है, भाई लोग हैं ना कि अब अपने बच्चों को नहीं बुलाएंगे तुम बत्तमीजी मत करो ये मत करो, अब लोग ये क्या करेंगे तुम अर्शी खान मत बनो, बेटा अर्शी खान नहीं बनना, बेटी अर्शी खान नहीं बनना, तो अर्शी खान की राहुल भी थोड़ी बहुत बहस देख रहे हो यहाँ पे मिल जाती है। अब अर्शी भी राखी से लगी होती है, बातें करें अर्शी की राखी कहती है तू कभी मेरा साथ नहीं देती, तेरे को मैंने तुम्हें बोला था कि हम दोनों भी है चैलेंजर्स है, हम दोनों को इकट्ठा रहना चाहिए, ये लोग हमारा साथ नहीं देते, अब हम दोनों रह गए हैं, उससे कहने का ये था कि चैलेंजेस के अंदर भाई सब जान चुके हैं बार ये करके बार, तो भाई तू मेरे साथ देगी तो मेरी कहती मैं तेरा स्टैंड लेती हूँ, तू मेरे कभी स्टैंड नहीं लेती, तो राही होती है तू कौन सा स्टैंड लेती है, उधर मेरी लड़ाई होती है अपना अभिनव से, तो तुमने को मेरा स्टैंड लिया, तूने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया मेरा, मेरे साथ नहीं बोला भाई तू स्टैंड लेगी तो मैं भी तेरा स्टैंड नहीं लूंगी, कह रही ठीक है तू अगर स्टैंड लेंगे ठीक है तू लेगी तो मैं स्टैंड लूंगी, तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, अपनी बारी कोई लेती नहीं मेरे बारे में बोलती स्टैंड नहीं लेते, तो इन दोनों भी हल्की सी बहस देख रहे हो यहाँ पे मिली। अब जो दिन था जो सेकंड टास्क था उसके अंदर क्या था कि अपना बिग बॉस के कैफे में कुछ क्रीम रोज वगैरह रखे होते, तो राखी अपना तो पता है उस टाइम मुनीर तो थोड़ा सा उसे क्रीम में छुपा के रख दिए अपने डब्बे के अंदर एक, तो यहाँ पे अर्शी को मिल गए, अर्शी ने कहा ये देखो राखी हमारे क्रीम रोल छुपा के रखे हुए ये है वो है, तो उसने दे दिया अपना क्या कहते हैं निक्की को, और निक्की को बोला देख निक्की देख किसे छुपा के रखे हुए हैं, कि भाई निक्की भड़क गई, निक्की पूरे घर में देखो राखी ने ये छुपा के रखे हुए हैं, राखी कैसी है देखो कैसी औरत है, राखी ने ये छुपा के रखे हुए हैं पूरे गार्डन में, यहाँ क्या सब घूमते सबको बोलती रहती है, और जाके वो डस्टबिन फेंक देती है कि भाई खराब हो गए खराब हो गए खराब हो गए। अर्शी फिर वही भड़काने वाला काम, अर्शी जाके राखी को बोलती है राखी वो तेरे जो उसने ना क्रीम रोल निकाल लेना, उसने उसको डस्टबिन फेंक दिया अब तू कैसे खाएगी, वो कह रही है वो हो ये क्या मतलब है, तो वहां पे अली को नहीं बरस रहा था भाई निक्की ये गलत बात है तुमने भी उसको डस्टबिन का फेंका, राहुल वाली बोल रहा था भाई ये चीज गलत है कि भाई तुम उस टाइम तो सुना ली जब गिरा तो इतना तुम लोगों ने बवाड़ आया अब ये खा रहे क्या, कह रही नहीं अब तुम्हारे लिए खाने का सामान है ना, कह रहा ये मतलब खाने का सामान है तो डस्टबिन फेंक देंगे क्या हम, तो ये गलत बात नहीं खराब हो गया था, अली को उठाता है वहां से देखता है खराब नहीं तो खाने लग जाता है, कह रहा ले मैं खा रहा हूँ देख, राहुल वैद्य भी खाने लग जाता है, कह रहा कोई खराब नहीं था कोई गलत कर रही है तू ये गलत तो बहुत गलत किया तुझे सॉरी मानना चाहिए तुमने गलती करी है, वहां पे राखी अपना निक्की सॉरी बोल भी देती है कहती है हाँ मेरी गलती है यहाँ पे भाई मैं मेरे से गलती हो गई, तो निक्की अच्छा जैसे स्टैंड लेती है वहां पे, बट यहाँ पे अर्शी राखी को भड़का देती है
कि वो देख तेरा खाना उसने फेंक दिया डस्टबिन में, तू जाके अंदर लड़, मैं तेरे साथ हूँ। बस वो अंदर आ जाती है, फिर भाई वही अपना राखी शुरू होती है, ये गलत किया तूने, फलाना है, मैंने बड़े प्यार लगा था बिग बॉस, ये देख उसने फेंक दिया, बिग बॉस मना करते मुझे तो राखी होने की थोड़ी सी बहस देखने में मिली। यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला उसको अपना राखी, और राखी ये क्या मतलब भाई, ये आई बार निकी को बोल रहा था हमने कि भाई अच्छी गई बार, अच्छी ने जाके बोला कि तू चल मैं तेरा सामने स्टैंड लेती हूँ, कहती हाँ ने बोला तो अच्छी देख ला अच्छी फिर भड़का रही है अच्छी से अंदर, तो फिर अच्छी में सारे शुरू होते हैं, अच्छी कहती अरे मैंने कब बोला ये वो है, सब तो राखी बोलती है, कहता देखा राहुल, राहुल का देखा मैं तो मैं बोलता था ना ये भैया विकास गुप्ता दुखी हो गया इससे, सारे सारी इसी दुखी हो रहे हैं, यही ऐसे हरकतें कर रही है, तो मैं जो बोल रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। तो यहाँ पे अच्छी खासी भाई अच्छी में भी डांट सरकार मिली यहाँ पे, यहाँ पे अभिनव उसका साथ दे रहा था निक्की का, भाई नहीं निक्की ने बोल दिया गलत नहीं है, ठीक है निक्की ने बोल दिया, कह रहा अली को तो अभिनव के गलत कैसे नहीं है भाई निक्की, भाई उस टाइम सुना रही तुम दोनों मियाँ भी बड़ा स्टैंड लिया था, अब क्यों स्टैंड नहीं ले रहे यहाँ पे, अब उसने फेंक दिया, कह रहा उसने गलती मान ली ना, गलती मान ली तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे निक्की अभिनव पे बरस पड़ी, जबकि अभिनव निक्की के साइड ले रहा था, निक्की कहती नहीं गलती मेरी थी, मैं ही उसको लेकर पूरे घर में घूम रही थी, मैंने इस चीज को मुद्दा बनाया, भाई अली को नहीं इसके मुद्दा नहीं बनाया, अभिनव ये तुम उसे मुद्दा बना रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम एक टारगेट कर रहे हो, वो कह रही नहीं मैंने नहीं इसने नहीं बनाया अभी, उसने अभिनव और अपना जैसे रुबीना को का साथ नहीं दिया निक्की ने, उसने बोला नहीं भाई मुद्दा मैंने बनाया, गलती मेरी थी, अली को नहीं मुद्दा नहीं बनाया, तुम उससे गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे अभिनव को थोड़ा सा झटका लगता है कि मैं उसकी साइड ले रहा था, बट ये भैया मेरे को ही बोल रही है। अब इसके बाद पूरे राहुल अपना अभिनव नीचे बारिश से होता है, निक्की आगे बोलती है ठीक है तुम्हें मुझे लगता है तुम बहुत नाराज से लग रहे हो, ये कहता नहीं मैं तो भैया सीधी बात है वो सब तेरे को बोल रहे थे तो मैं तेरा साथ देने की कोशिश कर रही, तूने मेरे को उल्टा बोल दिया, कह रही नहीं वो मुद्दा ना मैंने ही बनाया था भाई, तुम गलत जगह जा रहे हो, तुम्हें ध्यान से दूसरा नहीं, कह रहा ठीक है भाई तेरी मर्जी अब जैसे है, वो तू से कह रहा भाई वही है ना आज सारे भड़क रहे थे, आज सब भड़क रहे हैं, उस दिन नाड़ा खींचा किसी ने नहीं भड़का, अब देखा जाए तो अभी ना वही नाड़े वाली बात को फिर दोबारा खींच रहा है, जबकि उसने सलमान भाई क्लियर कर दी थी, बट नाड़े वाली बात में अभिनव ने स्टैंड नहीं लिया, अगर जो मेरे को कच्ची लगी तभी से स्टैंड लिया, भाई तूने खुद स्टैंड नहीं लिया, तूने ठीक है कोई बात नहीं इतना ज्यादा नहीं लगा, जब तू खुद स्टैंड ले रहा तो बाकी तेरे बारे में क्यों स्टैंड लेंगे भाई। तो अभिनव यहाँ पे निक्की को बोलता हुआ नजर आया, उसके बाद वो अर्शी को भी समझा रहा था, अर्शी ये भी है कि वो चाहते हैं कि भाई तू हमसे बात ना करे, और अर्शी कहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो हम तुम दोनों से बातें करने लगी हो, तो मैं ये उसको प्रॉब्लम हो रही है अली को और अपना राहुल गांधी को, तो यहाँ पे उसे समझा रहा था भाई तू तो ना ऐसा हो गया कि जैसे कहते रिमोट का बटन तेरे हाथ में, तू पॉज करती है चुप हो जाते हैं, तू बटन दबा देती है तो लड़ने लग जाते हैं और अपने लैंडमेट में ले जाते हैं, तो वो अर्शी विचार था यही बात है। राखी अपना राहुल से सबसे पहले देखो जाके बोल रहा है कि रिमोट से चलाते हैं तो रिमोट से चलता है, रिमोट बंद करते हैं तो बंद होती है, राखी तू उनका रिमोट तेरे हाथ में सबका, अरे हाँ भाई वो ठीक है वो समझाए सही ना कुछ तो करेगा अपने आपको। अब यहाँ पे अभिनव है और वो रुबीना को भी समझा रहा था कि ये लोग है ना अभी है कि हम इनकी साइड जितनी मर्जी लेते रहेंगे, ये इन्होंने हमारे साइड पे आना नहीं है, ये अपना निक्की भी को है कि निक्की कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है और ये निक्की उसके साथ रहती है, यहाँ निक्की को जो भी चीज कर लो जैसे भी कर लो एंड में साथ हो राहुल गांधी के देती है, और तो अर्शी को भी देख ले अर्शी भी कर रहा है जो भी है वो अली गोनी उनके पीछे रहती है कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, जबकि अली गोनी यही चाहते हैं कि भाई ये अभिनव और रुबीना से बात ना करे, तो ये रुबीना से डिसीजन करते हुए वहां पे अभिनव और रुबीना दोनों मिले यहाँ पे। बिग बॉस सबको इकट्ठे कर लेते हैं, बिग बॉस कहते हैं अब ठीक है नॉमिनेशन टास्क प्रक्रिया शुरू करते हैं यहाँ पे, अब ऐसा है भी सब इतने वीक हो चुके हैं अब कुछ ही डेज रह गए हैं, तो भैया ये तो जायज नहीं होगा कि किसी को नॉमिनेशन में डालना है कैसे डालना है, तो ऐसे करते हैं ये सारा जो प्रक्रिया है वो पब्लिक में ही छोड़ देते हैं, जैसे पब्लिक पहले वोटिंग करती है फिर जिसको कम वोट मिलते हैं वो घर से बाहर चला जाता है, तो इस बार ये भी प्रक्रिया पब्लिक में ही छोड़ते हैं, तो इस बार हमारे हिसाब से बिग बॉस के हिसाब से जितने भी सारे सदस्य हैं वो सारे नॉमिनेशन के अंदर हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं जो नॉमिनेशन में नहीं है, बट तुम्हें टास्क दिया जा रहा है नॉमिनेशन टास्क, अब इसमें क्या है इसकी चिट्ठी वहां पड़ी है और उसमें जो सेव होएगा एंड में तो वो एक हो सकता है वो नॉट कंफर्म हो सकता है वो सदस्य सेव हो जाए इस प्रक्रिया से, तो रुबीना जाती है लेटर लेकर आती है तो उसमें चिट्ठी बनी जाती है अभी एक जो अपना थिएटर रूम है उसमें कन्वर्ट कर दिया है लाइब्रेरी के अंदर, वहां एक बुक पड़ी है तो एक एक सदस्य बारी बारी जाएगा वहां बुक में पन्नों में नाम लिखे हुए सारे सदस्यों के, भी ज्यादा तुमने पन्ना फाड़ देना है और अगर वो ब्लैंक है पन्ना भी उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तुम्हारी बारी जब जाते हो तो तुम किसी भी सदस्य का नाम लिख सकते हो रीजन बता के जिसको तुम सेव करना चाहते हो, और अगर नाम लिखा हुआ है तो तुम जा तो वैसे छोड़ के आ सकते हो जा उसको फाड़ के आ सकते हो, तो भाई अगर चाहे छोड़ के आ जाओगे तो वो बंदा अगले बंदा जाके देखेगा सेव करूँ ना करूँ, अगर फाड़ के आए थे तो वो बंदा नॉमिनेशन में रहेगा वो सेव की में नहीं आएगा, तो बस ये टास्क था। अभी टास्क समझा दिया सब प्लानिंग पड़िंग शुरू करते हैं, अभी मैं पहली बार जाऊँगा मैं दूसरी बार जाऊँगा मैं तीसरी बार जाता हूँ, कह रहा नहीं तू ऐसे करियो वैसे करियो, तो वो दूसरा अपनी टीम की भाई तू उसको करेगा तो उससे करेगा
नॉमिनेशन में सारे तो आ चुके हैं, अब डिस्कशन कर सकते थे सारे सारे, भाई तू उसको करती हो फिर ये आ जाएगा तो ये रह जाएगा। निक्की कहती है यहाँ पे भी मैं तो अब अली गोनी को सेव कर दूंगी अगर अली गोनी एंड में रहा एंड में गई। राखी कहती है मैं देखती हूँ भाई किसको करती है, राखी अभिनव को सेव करना नहीं चाहती। तो इस तरह की सारी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग अब टास्क के बाद स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर कल बिग बॉस खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज ये नॉमिनेशन टास्क को पूरा कराया जाएगा। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा भाई कौन के किसकी कैसे कैसे जाता है और कैसे नहीं जाता है। राहुल वेदर जाता है, रीजन देता है और उसके राहुल वेदर जाएंगे तो ये अभिनव और निक्की को छोड़ेंगे नहीं, तो ये इनका ग्रुप पूरा बन चुका है भाई। हम सबसे पहले अभिनव को अपना रवीना और इनको सबसे पहले बाहर निकालेंगे और देवरीना अलीगोनी और इनका एक अलग ग्रुप बन चुका राखी का भी इनको निकालेंगे, अर्शी को बाहर निकालना है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई आज कौन कौन किसको बाहर निकालता है और एंड में सेव कौन होता है। तो यहाँ पे राखी सावंत फिर भावुक हो जाती है, जब राखी सावंत जाती है तो वहां पे अभिनव का नाम लिखा होता है। अब वो बिग बॉस मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल कहता है मैं करूँ, दिमाग कहता है इसको फाड़ दूँ, ये वो है। तो अगर यहाँ पे राखी सावंत फिर भावुक हो जाती है तो हो सकता है कि एंड में अभिनव फिर सेव हो जाए और अभिनव इस प्रक्रिया से फिर बाहर चल रहे और उसको एक और इम्यूनिटी मिल जाए। बट बिग बॉस अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगी राखी सावंत क्या करती है। ओके दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इससे में बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल कॉपी टू वॉल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।